हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वेबसीरीज फीवर के एक नए एपिसोड में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम रिव्यू करने वाले हैं कोको ओरिजिनल्स के लेटेस्ट वेब सीरीज रसमली के ऑफिशियल ट्रेलर का। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसके ट्रेलर का हम रिव्यू करते हैं, जानते हैं क्या कुछ खास देखने को मिलता है आपको इसके ट्रेलर के अंदर और ये वेब सीरीज आप सभी के बीच कब स्ट्रीम होगी, सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जोर से जोर देखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले बात करें हम रसमली वेब सीरीज की। दोस्तों ये जो वेब सीरीज है बेसिकली 18 प्लस एरोटिक ड्रामा जोन की ये सीरीज है, जिसके अंदर आपको बात करें स्टार कास्ट की तो इसमें आपको लीड रोल में सानिया, एनस, कपिल, रजित और निशान जैसे एक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनकी एक्टिंग ट्रेलर में आपको उतनी खास देखने को नहीं मिलती है। बात करें इसकी स्टोरी और प्लॉटिंग की तो दोस्तों इसकी जो स्टोरी है वो बेस्ड है एक ऑफिस में, जहाँ पर कि हमें एक बॉस देखने को मिलता है जो कि अपने ही ऑफिस की एक स्टाफ के साथ जो है अश्लील हरकतें करता है, और किस तरह से फिर जाकर के ट्रेलर के अंदर जो स्टोरी है वो उतनी खास नहीं आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों बता दूं फिर जो है उसका बॉस जो है एक स्टाफ के साथ जो है अश्लील हरकतें करता है, और उसके बाद जो है वो जो लड़की होती है उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसके बाद जो है उस ऑफिस में घुसकर उसके बॉस को ही जो है बहुत ही मारता है। और आपको इस वेब सीरीज के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है, यहाँ तक कि दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी बोल्ड एरोटिक सीन भी ट्रेलर के अंदर नहीं देखने को मिलता है। बात करें इसकी रिलीज डेट की तो ये वेब सीरीज आप सभी के बीच 19 जनवरी को जो है स्ट्रीम कर दी जाएगी कोको पर। अब ये वेब सीरीज आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या कुछ खास है इसके अंदर, और क्या इसके अंदर कुछ बोल्ड एरोटिक सीन भी आपको देखने को मिलता है या फिर नहीं। ट्रेलर में तो आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, स्टोरी भी के नाम पे भी आपको कुछ अच्छी खासी स्टोरी देखने को नहीं मिली है, पुरानी थर्ड क्लास स्टोरी देखने को मिली है, और इनके एक्टिंग भी आपको कुछ अच्छी खासी देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों यही थी इसके ट्रेलर का रिव्यू। आपको रिव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। फिलहाल आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।